अरे यहाँ क्यों लेके आए? सरप्राइज शॉपिंग। शॉपिंग? अरे ना मेरा बर्थडे है ना हमारी मैरिज एनिवर्सरी। आज क्या क्या खरीदते हैं खरीद लो, पूरी दुकान लूट लो, चलो। सच्ची? आओ। वसी वसी, ये सारी अरे वो छोड़ो जी, अंदर एक से एक चीजें हैं, तुम आओ अंदर आओ, चलो। और भी बस शॉपिंग करना इतना पसंद मेरे को। ये देखो। वाओ वसीम, थैंक यू। वसीम ये देखो कैसा है, ऐसा कलर भी नहीं है मेरे पास, ये बाजू रख दो। आज क्या क्या लेती ले ले भाई, बस मिथुन को दिमाग से निकाल दे, ऊपर वाले रहम कर। अरे वो देखो लाल वाला। अच्छा है नहीं वो, जरा वो निकालो। ट्रायल रूम का है उस तरफ। हेलो। अच्छी बात। वसीम बार बार फोन। वो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट का तो ठीक है, दूसरा वाला नहीं मालूम क्या है। दूसरा वाला नहीं मालूम। आई ले, इन आंखें मिली तो लिफ्ट के बाद निकल जाती है। अब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, क्या करूं मेरे भाई। वसीम कुछ भी कर, ये दोनों को मिलने रखो। दे सर, ये लेडीज के हैं। लेडीज के लिए जी। ये भी लेडीज के हैं। मालूम मेरे को ये लेडीज का है। मेरा साइज है आपके पास जी? मेरा मतलब मेरी बीवी का साइज जी है। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। कोई है ये? हेलो, एक्सक्यूज मी। ये देख लिया भाई। मिस्टर वसीम, मिस्टर वसीम। अच्छा हुआ आप मिल गए। कई को? अरे मेरा फोन उस दिन आपके पास रह गया था लिफ्ट में। जी वो दे दीजिए ना प्लीज। अब तो मेरे साथ में नहीं है, एक काम करिए आप मेरी ऑफिस को आगे ले लीजिए, ये मेरा कार्ड है। ओके ओके ओके, ये आपके ऑफिस का एड्रेस है? जी हाँ। चलिए ठीक है, मैं आके ले लेती हूँ। थैंक यू, बाय बाय। बच गया रे। क्या तुम है जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे साथ ही तो आई ना। देख लिए क्या? हाँ देख लियो। देख लियो क्या? देख लियो भी, शॉपिंग भी कर लियो। पैसे? कार्ड जहाँ बोले वहाँ रखे भूल जाते। दे दी मैं आपके कार्ड से। क्या तो भी हो रहा जी तुम्हारे को, शॉपिंग मॉल में एसी और तुम्हारे को पसीने के कुआरे? कुछ नहीं, अंदर का एसी गर्म हवा फेंक रहा था, इसलिए मेरे साथ रहना नहीं मालूम। अब से मैं तुम्हारे साथ ही चले तो। अच्छा अच्छा सुनो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे ना। आइसक्रीम भी? चलो तुम्हारे को पसीने भी आ रहे। तुम खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ मैं। चलो एक पॉइंट की बात, इधर औरतों को शॉपिंग करा दो और अपने पूरे गलतियां माफ करा लो। चलो दूल्हे मियां साइन करो। अरे अरे अरे, दूल्हा इधर है। अरे पार्टनर, वो रेप केस फाइल है जी, वहां नहीं करते सिग्नेचर, वहां करो। अरे मैं तेरा टेस्ट ले रहा था, तू ड्यूटी पे है या नहीं बोल के। अरे दूल्हा ठंडा दोस्त गरम, अरे शादी मेरी है रे, इधर दे। शर्माइए ना। बजाओ। अरे रुको रुको रुको, अरे ये नहीं, क्या तुम शादी में है इनकी मोहता में? कामा उमा नको लगा, जरा बीपी के गुला बराबर टाइम पे देती रहो अम्मा। मैं गाड़ी के पास हूँ, जल्दी आ जाइए। अरे खान, तू भी चल रहे मेरे साथ? अरे मैं क्या करूँ जी तुम्हारी सुहागरात में? ऐसा नहीं रे, कवरिंग को वहाँ वो डायल है ना। तुम चलो मैं आ रहा हूँ। चलता हूँ। क्या हुआ जी, कहीं को तो भी तैयार हो रहे, खाली पीली गए। हाय मेरे अनिल कपूर, क्या बात है, आज नीचे से ऊपर तक बिल्कुल चमक रहे हैं आप। हाय, हम तो पहले से ही आपकी नजरों के खायल हैं।
जिसकी बदौलत हम आपके साथ साथ। अजी अजी एक बात पूछूं, मेरी अनारकली ऐसे लाड़ों के बाता करे तो मेरे पूरे जिस्म में गुदगुलियां हो रही। मेरा दिल क्या बोल रहा मालूम? बोलो बोलो ना मेरी माधुरी दीक्षित। हाय, सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंककर, तुम्हें अपने केसों में छुपाकर और इस दिल की धड़कन बनाकर झूमने को दिल कर रहा है। हाय अल्लाह, चक्कर खा के गिर गए। मुस्कान, मेरा नाम चांदपाशा है, मैं इस घर का बड़ा दामाद हूँ, तुम्हें पता है ना? ये अचानक रोमांटिक मूड कैकू बन गया। बस आज मेरे सनम पर प्यार आया है। बेहद और बेहिसाब आया है। सच्ची? क्या हुआ बेटे, तुम दोनों यहाँ अकेले में क्या कर रहे? ओफ़, ये क्या हालत बना लिए? इतने खूबसूरत आदमी को बोल रहे क्या हालत बना लिए? तुम्हारी बेटी की नजर में तो अनिल कपूर से भी ज्यादा डैशिंग हूँ मैं। अच्छा, अरे अरे दो जी, चल बेटी। अरे चल। अमी, अमी लुक मिस्टर चांदपाशा, यू ब्रिंग माई क्लोथ्स फ्रॉम धोबी, ओके? धोबी का गधा घर का ना घाट को, क्या हालत हो गई मेरी। आजा आजा आजा। अरे टेंशन नहीं है, कान बोलते मेरे को खान, ऐसे ही है अपन। आ जान दो कोई भी, देख लेते अपन किसको भी। अरे खाली पीने का टेंशन ले रहे थे तुम, शादी नको नको बोल रहे थे। लव मैरिज करना है तो किसके बारे में भी नहीं सोचना, चाहे वो कितना भी अमीर रहने दो, चाहे कितना भी गरीब रहने दो, एक बार शादी हुई ना सब जने सेट हो जाते। अरे बुलाओ तुम्हारे अम्मी को, कुछ भी टेंशन नहीं है। और एक बात सुन लो, बच्चों के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज, घर भर के बच्चे पैदा करो तुम, घर में आते की घर पूरा लच 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 बोलना, मालूम है? मैं आते की सब देने चाचा 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 बोलना मेरे को। अरे ऐसे हकलो नको जी, अब बोल रू ना भाई, मुँह पार्टनर का रहेगा, जबान भाभी की रहेंगी। क्या भाभी, सही बोला ना भाई? खान तो सही बोल रहा, मगर गलत वक्त पे बोल रहा। अरे सब टाइम अपना ही था। क्या रे, अपने आप को क्या समझ के रखा है? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दिया कमीने दलिंदर, मेरी भोली भाली बच्ची को लेकर के शादी कर लेता। बदमाश, तेरे को भी नहीं छोड़ूंगी मैं, तुम दोनों को गन लेके आके मारूंगी मैं, तेरे को तो नहीं छोड़ूंगी, अभी गन लेके आऊंगी। अरे कान उठ जाओ, कान एक्टिंग कर, ओवर एक्टिंग ना कर, गनारी वो की गन लेके आते भूत भसा उस पहले निकल। मैं तो भाग गया यहां से, तुम यहां क्या करते? चलो चलो चलो, तोबा तोबा, चल चल जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे उठो जी। आ गए तुम? आओ, आ गया, थक के चूरू मैं। अबा? रात भर नहीं सोया, बहुत नींद आ रही मेरे को। कई को नहीं सोए रात भर? कहाँ थे रात भर, क्या क्या कर रहे थे, किसके साथ रात गुजारे बोलो? कैसी बीवी है जी तुम? अरे शोहर घर को आया तो बीवियाँ फूला बिछाते और तुम सवालों के कांटे बिछा दे रहे। कई को बिछाऊं फूला, कई को बिछाऊं फूला, क्या जंग जीत क्या रहे तुम?
तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना क्या जंग जीतने के बराबर ही छे। देखो वसीम, अच्छी बात नहीं होती बोल दे रही हूँ। कहाँ थे, सच्ची सच्ची बोले, नहीं तुम मेरे से बुरा कोई नहीं होएगा। मैं बोला तुम्हारे से बुरा भी कोई है बोल के? हाँ देख मेरी मिश्री की डल्ली, तेरे ये मीठे मुँह पे गुस्सा सूट नहीं करता, समझ बात को? बहुत मस्का मार लिए, पहले ये बोलो कि रात भर किसके साथ थे, बोलो जी। अब वो मैं, अगर मैं सही सही बोल दिया तो समझ लो सांप की दुम पे पैर। बोलो जी। मेरे दोस्त के साथ था मैं। ऐसा कौन सा दोस्त है जिसको मैं नहीं जानती हूँ, बोलो। अरे वो मेरे स्कूल का बेस्ट फ्रेंड है, करण अर्जुन के जैसी जोड़ी थी हमारी। अच्छा, नाम क्या है, बोलो उसका नाम, बोलो। मिथुन चक, मिथुन भट्टाचार्य, मिथुन भट्टाचार्य, मिथुन भट्टाचार्य। हाँ मिथुन भट्टाचार्य, बचपने में घूमे से अब मिले कल हम लोग। रात भर ऐसे बाता चले, ऐसे बाता चले, कब सुबह हुई मालूम ही नहीं हुआ। अब रात भर ऐसे क्या बाता चले, क्या बाता चले कि रात चले गई सुबह नहीं मालूम हुआ तुम लोगों को? अरे नहीं भाई, हम लोग ऐसे गंदे बातें नहीं करे, हम लोग शरीफ लोग है, बचपने के बातें करे। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो रेत के टीलों पे जाना, घरोंदे बनाना और जमीन खोद के बिरवा बुटिया निकालना, ऐसे बातें करे बस। ये सब फालतू बातों में तुम कितना भी याद नहीं रहेगा कि हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बोल के? आओ भाई, ये गलती हुई मेरे से। कैसा होती जी की बड़ी गलती? अरे तो क्या बंगार पे बिठाते, सुली पे चढ़ाते? अरे बोल रहा हूँ मेरा दोस्त लेके चले गया बोल के, तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ क्या जी, एक फोन करने को हाथ नहीं हुआ तुम्हारे को? डार्लिंग मेरा फोन ऑफ हो गया था। ऑफ हो गया था, तुम्हारे दोस्त का एड्रेस तो याद होगा ना तुम्हारे को? आओ, याद है वो 303 चमन रोड में। चल अब अगर इजाजत हो तो मैं जाके सो जाऊं। इजाजत है? अरे जीजू आप कहाँ रह गए थे? अभी तेरी बहन इंटरव्यू ले ली, अब तू कुछ रखो पूछ। अच्छा ये सब छोड़िए, मेरा गिफ्ट कहाँ है? तेरा गिफ्ट? ये मेरा गिफ्ट है, ये मेरे लिए छे ना? हाँ हाँ तुम्हारे लिए छे वो। अच्छा अच्छा है, बट जीजू मेरे को आईफोन होना था। एक ऐसा करो तुम इसको संभाल के रखो, मैं दो दिन में एक्सचेंज करा के ला के देता हूँ। ओके ओके, मैं जाके सो जाऊँ। वसीम मेरे को तुम्हारे बात हजम नहीं हो रहे। कहाँ जा कह रहे दीदी? कुरियर ऑफिस। कुरियर ऑफिस? तुम्हारे जीजू के दोस्त मिथुन भट्टाचार्य को कुरियर करने। क्यों, किस लिए? हकीकत जानने के लिए। क्या कल सच्ची भी वसीम मिठुन के साथ थे या नहीं? अरे दीदी शक करने की भी इम्तिहा होती दीदी। मैं सच्चाई जान के रहूंगी महक, मैं उनकी बीवी हूँ, मेरा फर्ज बनता उनको गलत रास्ते पे जाने से रोकना। तो ठीक है, कुरियर करने के बजाय उनके घर ही चले जाते। तो वाह, अब बेड़चल तक जाके कौन एड्रेस ढूंढते बैठेगा? तो कुरियर करने आपको आसान रास्ता दिखा। अरे मैं ऐसी नाम और पता बोल दिया तो ये दीवानी कुरियर भेज डाली, अगर कुरियर जाके वापिस आ गया तो एक नया धंधा ना हो जाता। कुछ भी करके इसके जहन से मिथुन को हटाना पड़ेगा। क्या अम्मी अभी भी गुस्से में है तुम? अजी गुस्सा छोड़ो ना, बेचारे अपने घर में घर दामाद के जैसा कितना अच्छा एडजस्ट हो गए ना, गरीब है मगर दिल के कितने अच्छे है ना। गरीब नहीं है, गलीज है उन्हें। देख कैसा उंगलियां छाड़ छाड़ के खा रहा। अब अम्मी बा अम्मी ऐसा नको बोलो जी, माफ कर दो ना अभी। माफ कर दूं और उसको? मैं मर गई तो भी माफ नहीं करूंगी, उसको और उसके दोस्त को भी। हाँ जी, जबान का सालन अच्छा टेस्टी बना नहीं? इडली के साथ जबान का सालन कौन खाता है जी? ये मुंह से निकली हुई जबान। अंडा खाता? आओ अंडा खा तो। फिर अंडा कहाँ से निकलता नहीं मालूम, फिर वाके में जिंदगी लिखा के लाया रे तू। यहाँ सास का खाना फुकट में खा रहा, वहाँ सरकार का खाना खा रहा। जायदाद पूरा खा खा के पूरा खत्म करने को आया रे तू।
तेरा जिंदगी खाने में गुजार तू। ताने ताने को गालियां मिल रही सालों की। क्या जरा दे बेशरम कहीं का तू है तेरी जिंदगी। कहां जरा आचार तो पास करो मिया। अच्छा दिखा तुम आज ऑफिस को ऐसो, महीने में एक आध बार आया करो। महीने में कई को कल से ही ने रोज आता। अच्छा तुम्हारे को कोई तकलीफ है? अच्छा है भी, मेरा भी काम थोड़ा हल्का हो जाता। खाओ। आपा चल तो मैं सुबह ऑफिस को आना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे मियां सुनो, अगर तुम्हारे को देर हुई तो मेरे को फोन कर लो जरा। हाँ कैको, उन्हें तुम्हारे से पहले ऑफिस में रहता। खाओ। बचपने में दो फिल्मा देखा था, एक हंटर वाली और एक डाकू मंगल सिंह। आज दोनों को लाइव देख रहा के मल डारा मेरे ऊपर। कल से ऑफिस को भी आ रहा हूँ। सर्विलेंस कैमरा बना के अब यहाँ से जरा मिलना मुश्किल दिख रहा अपना। अल्लाह मेरे खैस, अब क्या होगा लैला मजनू का? टेंशन नको लियो, पायरेसी को आज तक कौन रोक सका जो ये लोग रोकेंगे? ऐसी सुरंग बनाऊंगा जिसका रास्ता मेरी ऑफिस की कैबिन से निकल के सीधा तुम्हारे दिल तक पहुँचेगा। सुनो वो सुरंग का एड्रेस किसको भी नको दो। हाँ ओके, अब मैं रखता हूँ फोन, बीवी उठ जाएंगी मेरी। तुम्हारी बीवी खतरनाक है जी। मालूम है मेरे को। गुड नाइट। आई मस्ट डिलीट द लास्ट डायल नंबर, कोई सबूत नहीं छोड़ना इसको। कहाँ गए थे? पेशाब करने गया था बाहर। इधर रुझ जाना बाथरूम। अरे ये डोर खोले तो तुम्हारी नींद डिस्टर्ब होती, बल्कि बाहर गया भाई। मई फोन कहीं खुले गए थे? किससे बात कर रहे थे? फोन तुम्हारे बाजू है, बज गया तो तुम्हारी नींद खराब नहीं होती? बोलो। अबा बा 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 बा, बड़ी फिक्र है मेरे नींद की तुम्हारे को। इधर लाओ, दे इधर फोन। तुम्हारा शक जिंदगी भर खत्म नहीं होता। अफसोस हो रहा मेरे को, कई को तो भी जी रहूंगी। या अल्लाह मेरे को उठा ले। मेरा नाम तुम्हारे फोन में क्या फीट करे देख रही हूँ। तुम्हारा फोन दो, दो जी तुम्हारा फोन। मेरे फोन में क्या हो जाएगा? तसल्ली हो गई, देख लिए। बहुत हुआ, गुलाबी लाना नको, सो जाओ अब। आधी रात को नहीं सो तमाशे करते, फिर नींद खराब। यार अल्लाह इसको उठा ले, सुबह तक मौत देते। समीना, समीना, या अल्लाह मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो गई। मैं समझा था स्पैम फोल्डर में चले गई। अभी दुआ वेटिंग लिस्ट में है। क्या तो भी है, चैन से सोने भी नहीं देते क्या? अरे मेरे को नाश्ता नहीं देते, जा रहा हूँ मैं ऑफिस को। आ जाओ, कहीं भी खा लो बाहर, नींद आ रही मेरे को। तो जहर खा लेना बेहतर है। हेलो। अरे तुम है? अभी जो तुम्हारे को झटका पड़ा ना, ऐसे दिन में 500 किस्म के रोज झटके पड़ते मेरे को। ऐसा क्या हो गया? तुम्हारे को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी है क्या? क्या बोला ना, रोज एक नई मुसीबत। अब तो मेरा साला भी मेरी जासूसी में लग गया। अब अपनी लव स्टोरी का दी एंड समझो। ये मुसीबत। हेलो, कहाँ है जी तुम? ऑफिस में। तुम्हारे कैबिन में फोन करी थी, कहीं को नहीं उठाए? बाहर निकल गया होगा, देखता हूँ। सही बोल रहे जी तुम, ऑफिस में ही थे। बोला ना ऑफिस में छू। अच्छा इधर ही इधर बाज, रोक रोक रोक। हाँ रोक दिया। कितने हुए? 100 रुपए? कितनी तो भी सेटिंग रखे हो जा रहे। हाँ मैडम, 1000 रुपए दवाखानों में जा रहे। मैं गरीब आदमी, 20 रुपए पढ़ के ले लिया तो क्या चल जाता आप लोगों का? ऐसा ज्यादा लिए ना, मुर्दों को लगते पैसे। हाँ देखेंगे किसके मुर्दों को लगते। हैं
आशिकियां कम करे तो तनख्वाह भी बढ़ाएंगे तुम्हारी। अरे क्या पा ऐसा आउट किया गया ऑफिस को? तेरे को क्या बोली थी मैं, इनो बहुत चालू आदमी है, तेरे को चकमा देखे बाहर आशिकियां कर रहे हो और तू है के हौले के जैसा यही ठहरे हुआ। अरे आपा इनो कैबिन में बैठे हुए, मैं देख के आ रहा हूँ। क्या बोला, कैबिन में है? है कैबिन में, तू चल चल रहे अभी बता इसमें है करते है। देख लिया ना, देख लिया क्या बोली थी मैं, क्या बोली थी? ये आदमी की रग रग से वाकिफ हो रहे मैं, मुर्चो ये आदमी, ये इंसान एक नंबर का दो। देख लिए हो गया ना, बोला था ना मैं। क्या हुआ खैरियत, आज अचानक आ गए ऑफिस को, बैठना था, चाय मंगाता था। कोई जरूरत नहीं है, काम कर लो, खुदा हाफिज, हट रहे। टेंशन न को ले, रूटीन इंक्वायरी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल से अपनी नई जिंदगी शुरू होने जा रही, उससे पहले मैं आपको अपने पास्ट के बारे में कुछ बताना चाहूं। शादी से पहले मेरी कुछ पुट्टियों से, मेरा मतलब लड़कियों से दोस्ती थी, खाली दोस्ती थी, कुछ गलत काम नहीं करा मैं। आई एम अनटच्ड, आई मीन वर्जिन। तो मैं ये बोलना चाह रहा था, मैं उन सबको तलाक दे दिया, मेरा मतलब उन सब का चैप्टर क्लोज कर दिया, और मैं मेरा सिम कार्ड भी चेंज कर दिया। लिहाजा आज से और अब से मेरी जिंदगी में सिवाय आपके कोई नहीं रहेगा। मैं आपसे वादा करूं, मैं एक डिवोटेड हस्बैंड बनके सारी जिंदगी आपके साथ गुजारूंगा। आप बोल रहे होंगे इन्हें खाली बातों में टाइम खराब कर रहा, लेट्स स्टार्ट स्वागत। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। तू क्या करा, शादी के बाद बीवी के हाथ का पहला नाश्ता खा रहा हूँ। तू नाश्ता कर ले, उसके बाद मैं एक जबरदस्त पॉइंट बोलता हूँ। ओके। हाँ लाला, कर लिया नाश्ता? जबरदस्त मजे का नाश्ता बने उस्ताद, क्या हाथ है उस्ताद इसका। अरे लट्टू सुन, उसको बोल नाश्ता खलीस था। अरे कहीं को बोला यारो, मजे का था। यार तू जोर का गुलाम बन गया, मरद बन रे मरद, इतना सिखाऊं तेरे को? बोल नाश्ते में नमक ज्यादा हो गया, आइंदा ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा, समझा? समीना! क्या हुआ जी? ये नाश्ता है। कई कुछ क्या हुआ? जरी सलायत है तुम्हारे को, ये सिखाए तुम्हारी अम्मा, हाँ इतना नमक डाल देते जी। अयो मैं चक्की देखी हूँ, बराबर ही था। ज्यादा हुज्जत नहीं करना मेरे से, नहीं तो नहीं 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 ठीक है, जाओ बैग ला जाओ मेरा। जी 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 अच्छी बात है। ये लो, आइंदा ख्याल रहे नमक।